स्कोप फॉर टुडे क्लास। तो पहला सवाल है एपी से, इट्स वेरी इजी, जो आपके कॉन्सेप्ट को कवर करेगा अगर आपने पहले वाले वीडियो में अगर नहीं देखा हो या ध्यान ना हो तो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं एपी के लिए, एन पदों का मान और एन पदों का योगफल। भाई एन पदों का मान, एन पदों का मान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एन इजकल टू एन पदों का मान, एन कोई एन नंबर ऑफ आइटम हो सकता है, कोई भी नंबर, 10 आइटम, 11 आइटम, 12 आइटम। ए होता है हमारा पहला पद, जहाँ पर ए है आपका पहला पद, फर्स्ट प्लेस, और डी है हमारा सार्व अंतर, समान अंतर, जो कि हर जगह समान होता है उन सीरीज के अंदर जो चल रही होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 3, 5, 7, 9, तो क्या ये एपी में है? हाँ एपी में, क्योंकि इनके बीच जो गैप है वो बराबर है। 9, 7 का गैप 2, 7, 5 का गैप 2, 5 और 3 का गैप 2। अगर मैं आपसे कहूँ 8, 11, 14, 17, क्या एपी है? हाँ बिल्कुल एपी है, बिकॉज देयर इज अ गैप इज सेम। 14 में 14 गया 13, 14 में से 11 गया 3, 8 में से 11 में से 8 गया 3। तो एवरी हर जगह 3 3 है, तो इस तरीके से एपी में है। एपी में ए पहला पद और डी सार्वंत। लेट्स गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 3, 5, 7, 9 का 10वां पद ज्ञात करो एपी से। तो सबसे पहले ए क्या है आपका? ए है आपका 3 और डी है आपका 5 में से 3 गए 2। आप कुछ भी लेस कर लीजिए, चाहे आप 9 में से 7 को लेस कर लीजिए तो भी 2, या 7 में से 5 लेस कर लीजिए 2। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ एक करना होता है वहाँ पेपर में, वो भी अर्ली कर से हैं आप। अब सवाल की तरफ चलता हूँ। एन पदों का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 10वें पद का मान निकालना है, तो ए एन की जगह 10 लिख देता हूँ। 10वें पद का मान आएगा ए पहला पद 3 प्लस एन, एन का मान क्या है 10 माइनस 1, डी क्या है हमारा, डी है 2। तो 3 को वैसे रहने देते हैं, 10 में से 11, 9 दून 18, तो 18 3 21 इज द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस सवाल में कहता वो एन पदों का योगफल ज्ञात करो, एन पदों के योगफल के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना होता है, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है एन पदों का योगफल, देखा है तो भी आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, इट्स रियली गुड। तो एस एन होता है इसका मान एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए आपको सबको पता है पहला पद, एन आपका जो टर्म्स का योग या वो पद चाहता है चाहता था, डी सार्वंतर, और एस एन कुल पदों का योगफल आप निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको ये पुटअप करना है। तो अगर वो कहता है 10 पदों का योगफल ज्ञात करो इस सवाल के अंदर, तो कैसे करना होगा आपको, यही एस एन इजकल टू एन बटे 2, वही फॉर्मूला पुटअप करूँगा मैं, एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो गाइज एन है आपका 10 बटे में 2, 2a क्या है आपका, a आपको पता होना चाहिए पहला पद 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है 10वां पद निकालना है माइनस 1, d कितना है जी, d है 2। अब आप वैल्यू पुट अप कर दें जैसा जैसा दे रहा है आपको। भाई 10 को 2 से भाग करूँगा तो 5, और 2 3 3 2 6 प्लस 10 में से 11 9 2 18, 18 6 होते हैं 24, 24 5 होते हैं 120। तो 120 n पदों का योगफल, एक बार आप चेक भी करते हैं इसको, पहला पद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एक बार चेक कर लीजिए। 10 पद हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10वां पद हमने 21 निकाला था पहले, अगर आपको याद हो तो। अब एन पदों का हमने योगफल निकाला 120, देखते हैं 120 टोटल है क्या इसका। तो 5 3 8 7 15 15 और 9 24 1 25 3 28 28 5 37 और 7 40 40 और 10, आपके ये 50 50 के जीरो से लगे 5 5 और 1 6 7 8 9 10 2 12, तो 120 आ रहा है। तो बहुत आसेम, अब आप कहोगे सर फिर हम इस तरीके से कर लेते हैं, पर इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपसे बोलता है कि बताओ 62 पदों का योग ज्ञात करो, तो 62 पद तो आप ऐसे लिख नहीं सकते ना, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एन पदों का मान, एन पदों का योगफल, तो बोथ आर वेरी बिग थिंग फॉर दिस चैप्टर, जो आपको याद ही होनी चाहिए। कहता है -4, अगला सवाल है -4 -2 0 2 4 में कौन सा पद 88 होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगाना है आपको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब an का मान आपको पता है 88, अब तक आपसे कहता था चौथा पद याद करो, पांचवा पद याद करो, अब आपको पद की वैल्यू दे रहा है और पूछ रहा है वो कौन से पद पर है। इट मीन्स आपको n नहीं दे रहा है, टोटल बता रहा है वो वैल्यू कौन सी 88, इसका बताओ कौन से नंबर पे आता है वो, n आइटम्स कौन सा है जो 88 होगा। तो a आपका क्या है इस श्रेणी के अंदर, a क्या है आपका, a है आपका -4, और d है आपका, जब इसमें से आप लेस कर देंगे 4 में से 2 गया तो 2 2 में से 0 गया 2, और 0 में से -2 जाएंगे तो इस तरीके से आपका 2 ही आएगा। भाई 0 में से जब 2 जाएंगे तो जाने वाले -2, और जाने कितने -2, तो -, तो इस तरीके से +2 बचेगा। तो डी हर जगह सेम रहने वाला है। ए कितना है -4 प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, एन निकालना है मुझे,
माइनस चार प्लस एन, एन कितना है, एन निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी कितना है दो, तो 88 इक्वल ही है। तो गुणा कर देता हूँ मैं आगे, माइनस का चार प्लस का दो की जब मैं एन में गुणा करूँगा, दो एन माइनस का दो, तो माइनस का चार माइनस का दो माइनस के छः हो जाएंगे 88 में, जब प्लस में छः जोड़ दूंगा इधर बचेंगे दो एन, तो 88 और छः होते 94 को दो से भाग करके आ जाएगा आपका एन का मान, तो ये हो गया आपका 2 × 8 और 2 × 14, तो 47 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 47वां पद होगा 88। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी एपी का नौवां पद, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो बच्चे टेंथ पास करके आते हैं वो उन सवालों को कर पाते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हैं तो सवालों को थोड़ा सा अलग करना होता है, तो ये सवाल उनमें से आता है, इंपॉर्टेंट है। तो यदि समांतर श्रेणी एपी का नौवां पद एवं 19वां पद 35 और 75 हो, यानी आपसे कहता है कि ए 9 इज इक्वल टू है 35 और ए 19 इज इक्वल टू है 75, आपको दो चीज़ें दे रहा है, आपको यहाँ पर कहता है कि ए यानी कि एपी का जो नौवां पद है वो है 35, भाई नौवां पद व 19वां पद कम से 35 और 75 है, ठीक है, और एक आपसे कह रहा है 19वां पद है आपका 75, तो 2500 पद ज्ञात करो, 2500 पद क्या है ये आपको बताना है। तो मैं जानता हूँ जब ए एन की वैल्यू होती है, जब ए एन की वैल्यू होती है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो मैं ए नाइन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन की जगह क्या रख दूंगा मैं 9 माइनस वन, और डी कितना है, डी मालूम नहीं, डी इज इक्वल टू 35, तो ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू 35, ये बात समझ में आती है भाई, ए प्लस में 8 इज इक्वल टू 35, ये मेरी इक्वेशन निकल के आती है। ऐसी सेम कहानी यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन कितना है 19 माइनस वन इंटू डी कितना है, डी मालूम नहीं, इज इक्वल टू 75, तो इस तरीके से एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आती है, ए प्लस 18 डी इज इक्वल टू 75। तो जब भी आपको नौवां पद याद करने के लिए जल्दी से बोले तो आप इतना लॉन्ग कट नहीं करेंगे, सीधा एक कम कर देंगे नौवे में से, ए प्लस 8 डी 1900 होता है, ए प्लस 18 डी इसको 75, दो इक्वेशन निकल के आ गई। हम बच्चों में ऐसे सॉल्व करते ही आ रहे हैं, जब दो इक्वेशन दी तो सॉल्व को किस तरीके से करते हैं, तो ये आपका ए प्लस 8 डी इसको 35 और ए प्लस 18 डी इसको 75, तो इक्वेशन को सॉल्व करना, इट्स ईजी, घटाने पर माइनस 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 इससे कट गया पूरा का पूरा, 18 में से 8 जाएंगे 10 बचेंगे, बट आपको ध्यान रखना है माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसकल टू 75 में से 35 जाएंगे तो 5 से 5 के जी, तो 7 में सिंगे 4 माइनस का बचेगा, माइनस माइनस तरीके से आप काट से समझने के लिए, बट लॉजिकली गलत होता है, बट आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, डी स्कल टू 4, तो डी की वैल्यू आ गई 4, इस डी का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दें, चाहे एक में कर दें चाहे दो में कर दें, मैं फिलहाल ए में कर देता हूँ, ए था हमारा ए प्लस 8 डी स्कल टू सॉरी ए प्लस 8 डी स्कल टू 35, डी की वैल्यू आपको मालूम है 4, तो ए प्लस 8 4 इसकल टू 35, तो ए का वैल्यू आ गया 35 में से जब 832 आप लेस कर देंगे तो इट विल बी 3, पर ए की वैल्यू आपको मालूम है 3 और डी की वैल्यू आपको पहले से मालूम है 4, तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अब वो चाहता क्या है, 2500 पद ज्ञात करो, 2500 पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही वाला फॉर्मूला पुट अप कर देना है, यानी कि मैं जानता हूँ ए एन इसकल टू, ये मैं फॉर्मूले बार बार लिख रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ताकि आप कॉन्सेप्ट से बाहर ना हो, तो आपसे क्वेश्चन चाहता है 2500 पद, तो ए एन की जगह मैंने 25 लिख दिया, ए पहला पद क्या निकला हमारा, पहला पद निकला है 3 प्लस एन, एन यानी कि 2500 पद, तो चाहता है 25 माइनस 1 और डी निकला है हमारा 4, तो 4 तो 3 25 में से 1 गए 24, 24 इंटू 4 करना है, तो 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 9 24 96 और प्लस में 3, तो 96 3 होते हैं 99, तो 99 इज द क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर वो आपसे क्या था कि ए पी याद करो, पूरी की पूरी ए पी चाहिए, तो पहला पद क्या निकला था हमारा 3, भाई 3 में 4 जोड़ दो, डी कितना हो गया दूसरा पद 7, फिर 4 जोड़ दो 11, फिर 4 जोड़ दो 15, फिर 4 जोड़ दो 19, तो इस तरीके से एक ए पी तैयार हो जाती है, इसी का 2500 पद क्या होगा 99 जो हम निकाल चुके हैं। तो कई बार आपसे ए पी निकालने के लिए बोलता है, कई बार कुछ और निकालने के लिए कैसा है, सिंपल ही सवाल है, ध्यान देना है। इस सवाल के अंदर मैं वो चीज़ बता चुका हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ, कहता है कि ये सवाल आपको वैसे खुद करना चाहिए क्योंकि ठीक रिपीट है, बस इसमें पूछा गया है 2500 पद की जगह आपसे ए पी पूछ रहा है,
ए बी में आपको पहले करा चुका हूँ, उसके अंदर जोड़ना जो होता है। तो फिर भी एक बार कर लेते हैं, सातवां पद आपको देता है 34, ठीक है, और तेरहवां पद आपको देता है 64। इसका मतलब ए प्लस 6 डी इज कल टू 34। हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं तो 6 निकल के आता है भाई, ए प्लस एन, एन कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ए इज कल टू प्लस 6 डी हो जाएगा ना इस तरीके से। तो आपको जैसे ही बोले आपको सीधा 7 है तो 6 कर देना है, 5 है 4 कर देना है, जैसे 13 है यहाँ पर, तो इसको लिखूँगा ए प्लस 12 डी इज कल टू 64। सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन ये रही एक क्वेश्चन ये रही, दोनों को सॉल्व करना है। तो ए प्लस 6 डी इज कल टू 34, ए प्लस 12 डी इज कल टू 64। घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये पूरा का पूरा कट गया, 12 डी में से 6 डी जाएंगे, 6 डी माइनस का क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 4 में 4 गया 0 और 6 में 3 गया 3, तो ये भी माइनस का तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 5। इस इक्वेशन को आप कहीं भी पुटअप कर दो, मैं एक ही पुटअप करता हूँ इस वाली में, तो इस वाली में पुटअप कर देता हूँ मैं, ए प्लस 6 डी इज कल टू 34 है, तो यहाँ पर ए प्लस 6 डी का मान 5 निकला इज कल टू 34, तो ए इज कल टू 34 में से मैं लेस कर दूंगा 30, तो इट विल बिकम 4। तो ए आपका है 4 और डी है आपका 5, तो ए भी बन सकती है आपकी बड़े आराम से। पहला पद आ गया आपका 4, 4 में मैंने 4 में मैंने 5 जोड़ दिए क्योंकि डी सार्वंत है, तो 4 5 9, फिर 5 जोड़ दूंगा, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, तो इस तरीके से बन जाती है आपकी ए पी। वो कह रहा है ए पी याद करो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 5 8 11 14 के 22 पदों का एकफल याद करो। सवाल को पहले करा चुका हूँ मैं, बट फिर भी क्वेश्चन आया, तो वन सेकेंड आई वी डू एन बटे 2 टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, करते हैं सॉल्व इसको। तो 22 पदों का एकफल चाहिए, एस 22 इजकल टू 22 बटे 2 टू ए, ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 22, पद निकालना है, एन हो गया 22 माइनस 1 इंटू डी। भाई डी क्या है यहाँ पर ध्यान रखना, ए इजकल टू 5 है, डी इजकल टू 8 माइनस 5 कर लो 3, या फिर 14 माइनस 11 कर लो, कुछ भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो यहाँ लिखिए मैंने 3 ब्रैकेट पर, ये तो काट के 11 हो गया, 11 यहाँ बचा 2 5 10, 2 5 10 प्लस 21, 22 में से गया 21, 21 की गुणा आप 3 में करेंगे तो 63 हो जाएगा ये भाई, 3 एकम 3 नीचे, ठीक है 11 इंटू में 63 और 10 73, 63 और 10 होते हैं 73, 73 गुणा आपको करनी है 11 में, तो 11 3 33 के 3 हाथ से लग गया 3, 11 से 77 77 70 और 3 80, तो 803 इज़ द युगफल ऑफ 22 पदों का, यदि ए पी है आपकी 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट। छठा सवाल, बेहतरीन सवाल, पेपरों में जब ये देखने को सवाल मिलता है तो रेलवे में कई बार आ चुका सवाल ये, फिलहाल रेलवे से ही है तो ध्यान रखना है आपको। वैसे 4 ऑप्शन देगा आपको सवाल के लिए, कहता है एक समांतर श्रेणी का एनवा पद पी है, ए एन इज कल टू कहता है पी, और एन पदों का जो योगफल है वो दे रहा है आपको एस, तो बताओ पहला पद क्या है या फिर डी क्या है, कुछ ही पूछता है। सवाल कैसे करना है, तो सबसे पहले भैया मैं जानता हूँ एन पदों का योगफल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये आपको पहले से दे रहा है, क्या दे रहा है वो पी, तो पी इज कल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये तो आपको गिवन है। अच्छा एक बात और कहता है आपसे, जो गिवन है कहता है एन पदों का योगफल एस एन इजकल टू एन बटे 2 टू ए प्लस एन टू ए एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आपको दे रहा है, बट ये देख रहा है एन पदों का मान दे रहा है आपको एस, यानी इस एस एन की जगह लिखता हूँ मैं एस, एस इजकल टू एन बटे 2 टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, समझना ध्यान से दोस्तों। अच्छा एक बात ध्यान देखना, इस 2a को क्या मैं लिखता हूँ a प्लस ए, ए प्लस ए, भाई 2a थे मैंने इसको तोड़ लिख दिया a प्लस ए, क्या दिक्कत है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस 1 माइनस डी, ये वैल्यू सिर्फ ये देखनी है आपको, क्या सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है, तो क्या मैं इसकी जगह p लिखता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल लिखता हूँ, तो s इजकल टू एन बट्टे में 2, यहाँ बचा एक तो a है ही है और इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया प्लस में p, तो अब इसकी उधर गुणा कर देता हूँ, ये बन जाएगा 2s इजकल टू n a प्लस p। अब आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि पूछ क्या रहा है सवाल के अंदर, वो पूछ रहा है पहला पद, तो पहला पद निकालने के लिए 2s यहीं रहने देता हूँ मैं, और ये जो
एन है, एन को ले आता हूँ बटे में, एन आ गया। अभी यहाँ पे बचा क्या, ए प्लस पी, जब मैं आराम से कर देता हूँ ए प्लस पी। अब देखिए टू एस ये रहा, बटे में एन पहुँच चुका है, जब प्लस वाला पी उधर जाएगा तो माइनस का पी हो जाएगा, इसकल टू होगा ए। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो चार ऑप्शनों में से आपको एक मिलेगा। तो इस तरीके से सवाल देख के आपको डरना नहीं है, बस ट्राई करनी है, कहीं ना कहीं वैल्यू पुट हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और है जो लास्ट टाइम आपको बताना भूल गया था, ध्यान रखें जो जी पी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्क्वायर बराबर होता है ए पी इंटू, दिस इज़ नॉट जी पी, दिस इज एच पी। तो इस पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व ऐसे पेपर में देखने को मुझे मिले नहीं है, बट आई गॉट द फॉर्मूला, तो सॉल्व तो 100% बनते ही हैं। तो ध्यान रखें जी पी स्क्वायर, जी पी का स्क्वायर बराबर है ए पी इंटू में एच पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।